पढ़े लिखे हैं, नियम का पालन कर लेंगे, पेशी कर लेंगे, जिंदगी वाले पक्का पक्का हवाई का सम्मान न कटा क्या समाधान चाहिए कुछ पढ़िए। शिवम कुर्मी बहुत परेशान है, मन आस्थिर, आपका बहुत ज्यादा घर में तनाव व क्लेश बना हुआ है पिता के कारण। मदिरा पान कर रहे, 2026 के अंत में आपको नौकरी प्राप्त होगी और उसकी लगभग लगभग प्रति मासिक वेतन 33,000 रुपया होगी। क्या आशीर्वाद है। पिता को कोई भूत बाधा नहीं है और पगुआ सा बड़ा कोई देवता नहीं, इसीलिए टाइम लगेगा ये काम करोगे। पढ़िए। वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, कृपा होगी, कार भी रुके हुए हैं वो भी पूर्ण होंगे। संतान की परेशानी, गर्भाशय में दिक्कत व कोख का बंधन मसान विद्या के कारण है। पत्नी लगातार बीमार रहती, झटके लगते हैं, इन्फेक्शन गांठ बताई गई जो गलत है, वर्तमान में उसमें आराम है। परिवार का कलेश शांत होगा, 3.5 वर्ष के अंतर्गत तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी व संतान योग बन जाएगा। क्या ये सभी बातें सही है? माइक से बोलो एकदम सत्य। जय सियाराम। डॉक्टरी इलाज भी चलाइए, एक औषधि की आज्ञा लगी है, ये हम आपको 5 मंगल की पेशी के बाद देंगे, हमें आप ध्यान करवाना। मंगल की पेशी अरमरक जोड़ा से करो तो बहुत अच्छा, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, दुआ और कृपा दोनों रास्ते चलने दो। दोनों रास्ते आप चलाएंगे तो दिए हुए तय समय से पहले ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो जय सियाराम। हर हर बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ये लीजिए। इसके बाद ये जो माता जी जा रही है आप आ जाएं, हाथ में झंडा लिए हुए माता जी जो जा रही हैं, आपकी अर्जी स्वीकार है, आप आ जाओ, झंडा लेकर के ही आओ। वहां पर दे रहा हूं अगला। हाँ, यहीं से मुड़ जाओ माता जी, यहीं से आओ सामने से, आपकी अर्जी स्वीकार है, यहीं से आ जाओ, लोग आपको रास्ता दे देंगे। किसी के सिर के ऊपर पैर रखती चली आओ, काली माता बन जाओ। हाँ, पिटाई इटाई अपने हिसाब से देखना। पधारो भाई, आप वही हो जो सामने खड़े हुए थे, साथ में है कोई? बुलाना है पत्नी को, बुला लो, मैं बाद में कहोगे कि जैसे भावरों में साथ में बैठे, यहां भी बैठो साथ में। कहां से आए महाराज? माइक तो ले लो दीनानाथ, यूपी वाले हो? अच्छा, आइए नजदीक, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की, पार्वती पते हर 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 हर। 4 विषय हैं आपके, गलत बोले आप टोकना, माइक को नजदीक करो, हम बोल रहे हैं, पढ़ते भी जाना। बच्चे नाम रोशन करेंगे आपके, बहु परेशान कर रही है, कलेश मचाए हैं, मायके वाले पीछे लगे, बहु का परिवार बहुत बुरा है, गलत जगह शादी की है, नाम रगड़वाना चाहते हैं, अलग रह करके स्वयं मालकिन बनना चाहती है, विवाह वह चलना मुश्किल है। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, काम अवरोध बना, दूर होगा, पितृ दोष है, उसका उपाय करवाए, परिवार आपसी बंटवारा रुका हुआ है, वह भी होगा, 2025 में हो जाएगा, आशीर्वाद है।
बीमार रहती, शरीर में दिक्कत बनी रहती, आप भी तनाव में रहते, उसके लिए बागेश्वर धाम पर अखंड रामायण का पाठ करवा दे, उसमें भी आराम लग जाएगा। यही देंगे, ये तय। मोबाइल तुम बंद कर दो, वो व्हील चेयर पर जो बैठे हैं वो चश्मा लगाए हुए, जरा पीछे होना बैठना। व्हील चेयर पर बैठे थे यार, उनके साथ में है क्या कोई? अरे जी आ रही है बात, तुम तो बच्ची वाले हो ना। हाँ ठीक है, बैठो तुम वहीं बैठो, नहीं नहीं वहीं बैठो, भजन करो। हम बुला लेते फिर, कहाँ से भगवान? पहली बार आए मध्य प्रदेश मंदसौर। माँ जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक अगली आज्ञा भी बालाजी ने दी है सन्यासी बाबा ने, उस अर्जी को भी हम स्वीकार करवा रहे। राम गुरुजी सीताराम। हाँ एक बालक यहाँ पर बैग टांगे हुए खड़ा हुआ है, पिट्ठू बैग टांगे हुए। हाँ आ जाओ बेटे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है दरबार में, यहीं से आओ। टी शर्ट पहने हुए जो बालक बैग टांगे हुए आ रहा है इसको आने देना। दूसरी अर्जी दो स्वीकार हुई। ओहो टीन सेट के बाहर जाली के पास में तौलिया सर पर बांधे हुए, चलिए अब तुम जाली से निकल के बताओ ठटरी के बारे। वहां से आओ दरवाजे से, भैया हमें चाय करा दे यार। मानो राम सीताराम। अरे पागलो, हरे हरे महादेव। कल की एक अर्जी रह गई, हमें अभी अभी स्मरण आया, सन्यासी बाबा ने भी आज्ञा दी। कल एक बूढ़ी माता जी मंच पर आई थी, बूढ़ी वृद्ध माता जी मंच पर आई थी, लेकिन हम भीड़ बहुत बढ़ रही थी तो हम उठ गए थे, अगर उन तक हमारी आवाज जा रही हो तो आप आ जाएं, आज हम आपकी अर्जी लगा देते हैं। मंदसौर में कहाँ रहते हो? राणा खेड़ा बोल रही ठीक। आप खेजड़िया कथा करने पधर रहे थे? गए थे हम खेजड़िया, वहाँ महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर भी है ना। चिंताराम बालाजी का है? नहीं वो एक नदी के किनारे है। जी जी बसई, बसई में नदी है चंबल। हाँ कहो क्या अर्जी? और कुछ पूछे? अरेंज करोगे? लवेरिया नहीं है तुम्हारे भाग में, ये सुन लो कान खोल के। तीन विषय आए तुम्हारे, माइक लो, कुछ भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे तुम्हें नीचा देखना पड़े। पहला तो आया, पहला अपनी अर्जी ये बांधी है कि हम रास्ता कौन सा चुने, तो आपके लिए सीधा उत्तर लिख के आया, मैनेजमेंट मार्ग में आप जाएं, उसी में आप सफल होंगे, आप मैनेजमेंट सीखें, आगे चल करके होटल लाइन आपके लिए सक्सेसफुल है, आशीर्वाद है। कंपनी या होटल दोनों में से कुछ, क्योंकि आप बैंक का काम भी करना चाहते, बैंक की तैयारी भी करना चाहते, आप दुकान भी डालना चाहते, आप शॉप भी करना चाहते, आप ऑनलाइन का काम भी करना चाहते, आप मार्केटिंग का काम भी करना चाहते, फिर आपने यही पूछ करके अर्जी लगाई कि हम करें क्या, तो सीधा उत्तर लिख के आया, मैनेजमेंट सीखे, होटल अथवा कंपनी डाले, जीवन उज्ज्वल कैरियर होगा, घर में बहुत हैरानी बनी, द्वंद बना, विवाह के विषय पर द्वंद बना हुआ है कि शादी कहाँ कब कैसे होगी, निजी चर्चा जहाँ चाह रहे वहां पर मुश्किल है, लेकिन जो अरेंज मैरिज की चर्चा चल रही, दूसरी जगह से फोटो आई रिश्तेदारी के माध्यम से, वहां पर आप बात पढ़ाए, वहीं पर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। सात आठ साल से सुंदरकांड कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं करते रहो, सेवा है, भक्ति है।
जय सियाराम। पढ़िए, परिवार में सुख शांति नहीं है, बार बार अर्जी लगाई पर अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, यही लिखा है। जाओ, अर्जी स्वीकार है, दम तंगी भी दूर होगी। समाज सेवा का काम करना चाहते हो, समाज में सनातन की जागृति का संकल्प लेना चाहते हैं, सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, देव स्थल पर करवाए जाने वाले भंडारे में एक दिन व्यापकता आएगी, पूरे भारत में महिमा जाएगी, वह सनातन का आप कार्य कर पाओगे। आशीर्वाद सरकार की, सन्यासी बाबा की, कांकड़ा माला जी की, गुरुदेव भगवान की। गुरु जी मेरे भंडारा में आपके समय देखेंगे जो भी होगा। मैं आपके लिए जिंदगी को जिंदगी भर ये करता हूँ, लेकिन आपको एक लोग ताने देते हैं मेरे को, बहुत ताने देते हैं, सबकी सुनता हूँ, लेकिन मैंने नींद 4 घंटा 5 घंटा बस, इससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। क्यों? 3 बजे उठना है, सुंदरकांड फिर घर के कार्यकारी देखना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एक बार इस बच्चे को ताली बजाओ, बहुत अच्छा करते हैं। सनातन का काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लिखवा देंगे बच्चों को, जब भी समय अनुकूल होगा हम दर्शन करने आएंगे। जब भी जाओ जाओ आपसे आशीर्वाद लेने तो भी जो भी संति में वो लेकर तो हम बोल देते हैं भाई इनको, जब भी 2-4 महीने में आया कर मिलवा दिया कर, ठीक है? जाओ सत्यम और वो पी एस ओ। गुरु जी मेरी मम्मी उनकी अर्जी नहीं, वो बहुत परेशान है ना, वो जो कहती है कि मेरे बच्चे सही जगह, वो ना बहुत परेशान है ना घर में, वो जो सोचती है पहले नंबर पर अर्जी लिख के आ गई है, अर्जी स्वीकार है, हम बच्चों जाओ अगला नंबर। खुश रहो चलिए, खुश रहो बेटे, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। आइए बहन, घर जा रहे हैं, कब आओगे? हाँ जाओ, अच्छे से जाओ ना, फिर आ जाएंगे। आइए बहन, हाँ ये हो, बैठ जाएं, रोना बंद करें, आप रोना बंद करें, मिट्टी ले आए आप पिठिया पर से हथवा में रहता हूँ, जहाँ मन कर वहाँ लगा लो। जो भाई खत्म हो गए तो वही ना। तीसरी बात, सनातन का कार्य आप एक टीम गठित कर सकते हो, और गायन में आपका बहुत मन लगता है तो गायन में भी आप अपने रास्ते प्रसन्न के लिए, प्रसन्नता के लिए, पर वो आपका भविष्य नहीं, गायन करो केवल सनातन के लिए करो, बाकी अपना रास्ता कंपनी का या होटल मार्ग का चुनो, मैनेजमेंट एमबीए करो, इसके बाद आगे बढ़ो। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सन्यासी बाबा की। ये लिख दिया हमने तुम्हारे बिना गए, ओम एम ह्रीम नमः देवी माँ, और ओम बागेश्वराय नमः बागेश्वर धाम का मंत्र करो, थैंक यू वेरी मच। बोले बागेश्वर धाम की सीताराम, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी महाराज की जय। हरे हरे हमें खड़े हो गए, हमें बहन दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, खड़े हो गए दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे,
हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अगली सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, आपको सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरु जी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अजूब और अटूट उपाय है, इन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते हैं, मिलना नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती है, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंगना बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में भी एक बार, अथवा तीन महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेश करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना परिचय बने ही अग्नि स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में जो जो पेशी करते हैं त्यों त्यों आराम लगने लगता है। आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, अर्जी लेकर पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की जो धरती में आए हैं बालाजी के चरणों में, अपनी अर्जी को आप बोलने के पहले माता पिता और सन्यासी बाबा को प्रणाम करके कह दो हमारी अर्जी सुनो, और अपनी अर्जी तीन बार बोल दो और बेसी प्रारंभ कर दी हो, बिना पर्चा बने ही काम सफल होने लगे। ओम सिर के ऊपर से सात बार उतारा गया, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, सात बार उसे भी उतारा करके बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। अब दोनों हाथों को आपस में मिलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में आपको जहां दिया है स्पर्श करा लो, अपने भाव से बोलो
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी महाराज की, गौ माता की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, जगत गुरु भगवान की, उच्च पाठ श्री कविता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, माँ पार्वती पते हर हर हर, साधु जी बालाजी गुरु जी साधु जी बालाजी गुरु जी, आप सब जो भी दरबार प्रांगण में विराजमान है खड़े हैं, जाओ सबकी अच्छी चिंता है। पूरे परिवार पर संपत्ति जी को आपके भाई की आत्मा को शांति मिले, और आप लोग प्रयत्न करो कानूनी कार्रवाई करवाओ। वो तो हमने देख लिया, वो तो आपको बता भी दिया है कारण, और हम तो चार विषय देंगे कि क्या आशीर्वाद। अब अगला नंबर आ जाने से दूसरों का भला हो जाए, आपका तो वही है, बस दूर से बना। देखो जो कह दिया जाएगा तो लिख दिया जाएगा, 100% फैक्ट सहित बोला जाएगा, लेकिन कानून को अपन को हाथ में नहीं लेना है। यही कलयुग में बालाजी की महिमा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विज्ञानी बुद्धि लगा रहे, ये कैसे संभव है, ये कैसे पता लगता है, यही हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो जय सियाराम, बोलो माई बाप, कहां से आए पटका फाफा निलंजनवा, गांव का नाम बताओ, पटका पापा के फाफा 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 मारा विचित्र नाम है यार भैया तुम्हारे गांव का। रखवाने वालों को कई शोकों की सलामी आजा बेटा, टी शर्ट पहने हुए बच्चा बैठा है, आप टी शर्ट पहने हुए बालक बैठा हुआ है, पीछे हाथ जोड़े जो बालक बैठा है, हाँ खड़ा हो जाए यार, क्या है वो बच्चा जो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ उसको भेजो, आ जा भेजा चश्मा लगाए हुए जो टी शर्ट पहन जा रहा है उसको भेज करा, अच्छा बच्चा वो भक्ति करता है, मैं तो बदमाश हूँ को देखते हैं दम कितना बाजी का पालन कर दो। क्या समाधान चाहते हैं बालाजी के सुनो, आओ कहाँ आ सकते हैं, एक अपने बारे में पूछो, पूछो
ताकत बहुत है तुम्हारा वर्तमान में, बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, संदेह बिल्कुल भी ना करें। एवं चाचा जी को खून जम गया सिर में, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, सुन्नपन आ गया है, आराम लगेगा, गांव आशीर्वाद है। अभी और कुछ चलना बस तो हाँ, हमारे पास आज से तो तीन बेस बात ला सकते हैं, मालिश करने उनके सिर में करने और तलवार में करने, तलवार जानते हो तलवार, हाँ तो सिर में करने, हम यही कर रहे थे कि आप बालाजी जी का करें। जय सिया राम सीता राम आई याद हनुमान जी के बाबा आगे रहा करें। बैठो बैठो कहाँ विराजमान, अच्छा हाँ तो पीछे बाजू छोटे बच्चे को आ रहा है जयपुर के, अभी हमारी जयपुर में कथा है, तुमको पता लगा कहाँ कहाँ पर हम आ रहे जयपुर आ रहे हैं, बार तीन दिन के लिए आएंगे हमको जयपुर, बच्चों ने टुकू ना तुम्हारा टुकू ना कुछ रखा, ये कौन मानी मान टुकू ना और कौन कौन आया जो कावे सब बुला लाई तो आप बाला जी।
काम बुलाने दस इसको ठीक है और ऐसे तो मुझे दस का लग रहा था नमकीन पाला मैंने तुम्हारा पैसा रुक गया कह नहीं रहा परिवार में भी दुख बना बेटे को नेत्रों में लालिमा आ जाती है आपको गंदे विचार सिर में दफन व गला पकड़ लेता है संदेह है क्या तंत्र विद्या तो नहीं की गई आपका संदेह सत्य है तंत्र विद्या की गई है बेटा को समय लगेगा ठीक होने में पैसा तुम्हारा मिल जाएगा क्या हमेगा नहीं आशीर्वाद है समोसे ले लो परम समोसे ले लो परम समोसे और डस्ट लगता है काले आज ना कब आदमी खड़े तो घूम गया था ना कहो रास्ता नहीं सरकार के दरमियान लगता है बैठना शुरू करो परिवार आ जाए बहुत अच्छा बेटा आ जाए तो समय से स्वागत करना बहुत ज्यादा समय लगेगा क्योंकि पूरा लालमा हो जाता है आंखों में लालमा पानी भी बहने लगता है आंसुओं में खून जैसा बहने लगता है उनसे खून होता नहीं है पर वो आंखों की लालमा है पर वो बहुत गंदा है अच्छा डॉक्टर की समझ में नहीं आता डॉक्टर ने तो इंफेक्शन बताया है दवाई भी बहुत ज़्यादा डलवा ली है ड्रॉप भी बहुत डलवा ली है अभी भी दवाई चल रही है लगभग 7 लाख रुपए तक की तुम दवाई करवा चुके हो परिणाम जीरो आया है तंत्र मंत्र में भी बहुत पड़ गया है उसका भी उत्तर चीज नहीं मिला है क्योंकि ये तंत्र विद्या गंदी अघोरी वाली चीज है उसका उपचार है हम करेंगे बालाजी कृपा करेंगे आप पालन करो नियम का आखिरी आराम लगेगा जावा सी बात है कोई संदेह हमारी बात चलो तुम से पढ़ो ये लो भैया ये लो बस 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 खुश रहो जो जो मिलो जो भगवान की है लो अगला नंबर बाला ठीक है सुबह का भोजन भैया कोई कप जाएगा गिर जाएगा सामने लोग बैठे बच्चे बैठे माताएं बैठी महिलाएं बैठी बैठ जाओ हम बैठे हैं अभी भी अलगी भी लगा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो माले करो विशेष रूप से स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंधन दिखाई देंगे जाओ तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी अरे तो बंदी है जो तो बहुत दिनों से आ रही है तुमको मिलवा देना शाम को आज जोड़े हुए सफेद दुपट्टा डाले करेंगे बनी तुमको मिलता है हमने ले लिया बीच बाकी तुमको ही रहना दोनों हाथ उठाओ बोलो दादा गुरु जी की जमींदार आगे बाबा की अब जिनको भी प्रेत बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध दो मरीजों का क्या करना
कल तो मिल ही चुके थे, जिन्हें कल मिल चुके थे उन्हें छोड़ करके भेजो जरा, भेजो ना इंटर वालों के साथ वालों को भेज कवच कवच दे दिया था ना, जाना है तुम्हें जा रहे यहाँ से कवच कौन है हमारी माता जी भैया, चलो आज आपका मन सहलो कबूल जो भाई वो गिर जाएगा मेरी देखे यहीं से मुड़ जाओ माता जी, यहीं से आओ सामने से।